गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे पीसीआर, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद टॉपिक है पीसीआर, यानी पीसीआर है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी जो पीसीआर है ये एक मशीन होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पीसीआर एक क्या है? मशीन है। अब पीसीआर एक मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह एक टेक्निक है, यानी पीसीआर एक टेक्निक प्रोसेस है, लेकिन अपन इसको कह सकते हैं पीसीआर एक क्या है? मशीन भी कह सकते हैं। यानी पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है या तकनीक है जिसके द्वारा जो डीएनए है या जीन है उसकी कॉपी कुछ ही टाइम में, यानी बहुत कम टाइम में एक से अधिक बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब, पीसीआर टेक्निक के द्वारा एक डीएनए या जीन का यानी कुछ समय में बहुत सारी अपन क्या बना सकते हैं? कॉपी बना सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इस मशीन में अगर एक डीएनए की बहुत ही कम समय में अनेक कॉपी बना सकते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पीसीआर मशीन है, इसकी खोज सबसे पहले केरी मुल्लिस वैज्ञानिक ने की थी। केरी मुल्लिस वैज्ञानिक है, इन्होंने 1985 में पीसीआर टेक्निक की खोज की थी। 1985 में किसकी खोज की थी? पीसीआर टेक्निक की खोज की थी। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि जो केरी मुल्लिस ने बताया कि जो पीसीआर है उसके लिए जो डीएनए है, डीएनए का सिंथेसिस होता है इन विट्रो कंडीशन में होता है, यानी डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो इन विट्रो कंडीशन में होता है। यानी अपन कह सकते हैं अगर पीसीआर अपन को एक के डीएनए खंड या जीन की कुछ टाइम में, यानी बहुत कम समय में एक जीन या डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनानी है, तो उस बनाने के लिए उसको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, यानी उस मशीन में या टेक्निक में ऐसी क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं जिसकी वजह से एक डीएनए से बहुत कम समय में बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं डीएनए का सिंथेसिस किसमें होता है? इन विट्रो कंडीशन में होता है। उसके बाद अपन देखते हैं जो डीएनए फ्रेगमेंट है या खंड है उसके द्वारा कम समय में एक से अधिक यानी अनेक कॉपी अपन बना सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जीवन आवर्धन, यानी जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जीन आवर्धन। जीन आवर्धन क्रम का अर्थ क्या होता है? जिस डीएनए का फ्रेगमेंट या खंड अपन काम में लेते हैं उसके द्वारा बहुत सारी कॉपी बनाते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? जीन एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। यानी पीसीआर में एक डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंडों में, तो ये मेथड क्या कहलाता है? पीसीआर कहलाता है। और जिस जीन को अपन लेते हैं, जिस डीएनए या जीन को अपन लेते हैं उसको क्या कहते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन। यानी जिस डीएनए या खंड को अपन पीसीआर मेथड के द्वारा अपन काम में लेते हैं उसको कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं अगर पीसीआर मेथड अपन को करवाना है किसी डीएनए का तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। देखो सबसे पहले आवश्यकता कौन कौन सी होती हैं, अगर वो आवश्यकताएं हैं जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको एक साथ अपन कलेक्ट करके फिर पीसीआर मशीन में डाला जाता है। जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको एक साथ कलेक्ट करके पीसीआर मशीन में डाला जाता है और फिर पीसीआर मशीन में उस डीएनए या खंड से बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्या है? सबसे पहले
जीन एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है। जीन एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है, यानी डीएनए अपन वो डीएनए या वो जीन काम में लेंगे जो सही ढंग से अपना काम कर सके। अगर अच्छी क्वालिटी में अपन जीन या डीएनए ले रहे हैं तो उसकी क्या बनाएंगे, बहुत सारी कॉपी बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या लेना है, जीन आवर्धन लेना है या जीन या डीएनए फ्रेगमेंट लेना है जिसकी अपन बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है प्राइमर। सेकेंड आवश्यकता क्या होती है प्राइमर की, अब इस मशीन में दो प्राइमरों की आवश्यकता होती है और दोनों प्राइमर में 20 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये दोनों प्राइमर हैं एक दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के एक दूसरे से पूरक होते हैं। कहने का मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं 5' 2 3' और 3'2 5'। अब प्राइमर हैं तो 3 एंड पर जुड़ेगा, इधर 3 एंड पर जुड़ेगा, कहने का मतलब एक दूसरे के पूरक स्ट्रैंड पर जुड़ते हैं। अगर एक इधर 3 एंड पर जुड़ रहा है तो दूसरा प्राइमर है इधर 3 एंड पर जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइमर होते हैं कितने चाहिए, दो की आवश्यकता होती है, यानी दो प्राइमर अपन को चाहिए। उसके बाद थर्ड है नाइट्रोजन क्षार। थर्ड क्या आता है, नाइट्रोजन क्षार। जैसे अपन बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार, डाई ग्वाइनोसिन ट्राइफोस्फेट, इसी प्रकार एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, साइटोसिन ट्राइफोस्फेट और थायमिन ट्राइफोस्फेट, यानी जितने भी ये नाइट्रोजन क्षार हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद फोर्थ नंबर में आवश्यकता होती है डीएनए पॉलीमरेज की। किसकी आवश्यकता होती है, डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, यानी डीएनए पॉलीमरेज है ये एक क्या है, एंजाइम है। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में अपन ने बात की थी प्राइमर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है। प्राइमर क्या होता है, एक डीएनए का ही छोटा सा टुकड़ा होता है। प्राइमर क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उस डीएनए के छोटे से टुकड़े में एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बनाने की क्षमता होती है। कहने का मतलब प्राइमर यह है 3' 2 5', ठीक है, प्राइमर 5' 2 3' होता है प्राइमर। दूसरी कंडीशन इस प्राइमर में क्या लागू होती है, ये प्राइमर होता है हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड के 3 एंड पर ही जुड़ता है, सिंगल स्टैंडर्ड के 3 एंड पर जुड़ता है। जैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 5' 2 3'। अब यहाँ पर 3' है तो यहाँ पर ये प्राइमर अपन को क्या करना है, जोड़ना है, तो इसका नामांकन इसके पूरक हो जाएगा, नामांकन पूरक हो जाएगा। अभी टर्म लिया है मैंने, अपन प्राइमर जोड़ेंगे तो एक दूसरे के पूरक जोड़ेंगे। जैसे अपन ये प्राइमर है अगर 3 एंड की तरफ दौड़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पर 5 एंड हो जाएगा इस प्राइमर का नामांकन और इधर हो जाएगा 3 एंड। सेकंड बात इसमें यह आती है प्राइमर है 3 एंड पर क्यों जुड़ता है, क्योंकि 3 एंड क्या रखता है, OH ग्रुप रखता है, क्या रखता है, OH ग्रुप रखता है, इसलिए प्राइमर डीएनए स्ट्रैंड के 3 एंड पर जुड़ता है OH की वजह से। कभी भी प्राइमर 5 एंड की तरफ जुड़ता नहीं है। जैसे अपन को ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है 5' 2 3' 3' 2 5', लेकिन प्राइमर को अपन को ऐड करवाना है। अभी ट्रम आया है कि पीसीआर मेथड में दो प्राइमर की आवश्यकता होती है। अब ये दोनों प्राइमर इस डीएनए स्ट्रैंड पर कैसे ऐड करवाएंगे, 3 एंड तो ये है तो यहाँ पर अपन ऐड करवा देते हैं एक प्राइमर, दूसरा प्राइमर इधर 3 एंड वाले पे करवाएंगे यहाँ पर प्राइमर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है अगर 3 एंड इधर आ रहा है तो इसका नामांकन क्या होगा प्राइमर का, 5 एंड होगा, इसी प्रकार इधर क्या होगा, 3 एंड होगा। अगर यहाँ पर इधर की तरफ देखना है अपन को तो यहाँ पर क्या करना है, 3 एंड करना है और इधर क्या करना है, 5 एंड करना है, यानी 3 3 एंड दोनों एक तरफ नहीं होंगे। अगर 3 है तो उस तरफ अपन करेंगे 5 एंड, अगर 5 एंड है तो उस तरफ करेंगे अपन 3 एंड, ये ध्यान में रखना है अपन को। इसी प्रकार पीसीआर में कितने प्राइमर की आवश्यकता होती है, दो प्राइमर की आवश्यकता होती है,
नाइट्रोजन क्षार हैं उनकी आवश्यकता होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डीएनए पॉलीमरेज, यानी जो एंजाइम है उनकी भी आवश्यकता होती है। डीएनए पॉलीमरेज की कल ही अपन ने बात की थी कि डीएनए पॉलीमरेज होती क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं डीएनए पॉलीमरेज? जो डीएनए प्राइमर है, यानी अपन कह सकते हैं जो प्राइमर है, उनको डीएनए स्ट्रैंड पर जोड़ने का काम करते हैं। यानी डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर को इस डीएनए के स्ट्रैंड तक पहुंचाना या उससे जोड़ना, इनका काम यही होता है। यानी डीएनए पॉलीमरेज का काम मात्र एक ही होता है कि जो प्राइमर है उसको डीएनए के स्ट्रैंड तक पहुंचाना। जैसे ही ये पहुंच जाते हैं डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, तो धीरे धीरे फिर किसका निर्माण कर लेते हैं, प्राइमर एक कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे डीएनए पॉलीमरेज की, किसकी बात कर रहे थे, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज है ये हाई टेम्परेचर पर काम करता है। हाई टेम्परेचर पर क्या करता है, काम करता है। इसको सबसे पहले ये एंजाइम है कहाँ से आइसोलेट किए गए, यानी कहाँ से प्राप्त किए गए। अगर इस एंजाइम को अपन हाई टेम्परेचर पर काम में लेते हैं तो ये एंजाइम नष्ट क्यों नहीं होता है, अभी इसके बारे में देखेंगे। ये एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है, नष्ट क्यों होता है। देखो ये डीएनए पॉलीमरेज है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया होते हैं, यानी जीवाणु। जीवाणु का नाम है थर्मस एक्टिविस। थर्मस एक्टिविस ये जीवाणु का नाम है, उनसे ये बैक्टीरिया यानी उनसे ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी अपन कह सकते हैं जीवाणु है, और जीवाणु का नाम क्या है, थर्मस एक्टिविस। जीवाणु का नाम क्या है, थर्मस एक्टिविस से ये डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त होता है। इसी प्रकार डीएनए पॉलीमरेज की और भी क्लास हैं, जैसे अपन कह सकते हैं टाक डीएनए, यानी टाक पॉलीमरेज, इसको बोलते हैं टाक पॉलीमरेज। ये किन से प्राप्त होता है, पायरोकोकस जीवाणु है उससे ये पॉलीमरेज प्राप्त होता है। पायरोकोकस जीवाणु है उनसे ये पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, ताक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीवाणु है थर्मस एक्टिविस, उनसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं। कहाँ पर काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पर। देखो पीसीआर का जो मेथड होता है वो सबसे पहले हाई टेम्परेचर से स्टार्ट होता है। इस प्रकार चार चीज़ों की पीसीआर में आवश्यकता होती है। सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, डीन यानी डीएनए की, जिस डीएनए के अपन कॉपी बना सकते हैं उसको बोलते हैं जीन आवर्धन। उसके बाद अपन बात करते हैं दो प्राइमरों की आवश्यकता होती है, दोनों प्राइमर है, दोनों स्ट्रैंड के एक दूसरे से पूर्व जाकर जुड़ेंगे थ्री एंड पर, लेकिन उनका जो नामांकन होगा वो एक दूसरे से क्या होगा, पूरक होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट की अपन ने बात की थी नाइट्रोजन क्षार की आवश्यकता होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर अपन को ध्यान में रखना है जो पीसीआर का स्टेप होता है, पीसीआर का जो मेथड होता है वो हाई टेम्परेचर से शुरू होता है। तो अपन को ऐसे जीवाणु या ऐसे एंजाइम की आवश्यकता होती है जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है,
ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है हाई टेम्परेचर पर पाए जाने वाले जीवाणु, जो हाई टेम्परेचर पर जो जीवाणु पाए जाते हैं उनसे अलग किया गया था। कहने का मतलब जो हाई टेम्परेचर पर जीवाणु पाए जाते हैं उसके अंदर ये डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। जीवाणु के अंदर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होता है, वहाँ से डीएनए पॉलीमरेज को अलग करके पीसीआर मेथड में अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जीवाणु का नाम ध्यान रखना है, कौन से जीवाणु से डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया गया था। थर्मस एक्टिविस्ट जीवाणु है जो हाई टेम्परेचर पर पाया जाता है, और उस जीवाणु से अपन ने डीएनए पॉलीमरेज को अलग किया जो पीसीआर में उपयोग आता है। क्यों किया? क्योंकि पीसीआर का जो मेथड होता है वो हाई टेम्परेचर से स्टार्ट होता है, और अपन को ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके। उसके बाद सेकंड एंजाइम आता है ताक पॉलीमरेज। ताक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये पायरोकोकस जीवाणु है उनसे अलग किया। ये भी क्या होता है? हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। इसी प्रकार इन आवश्यकताएं जैसे पूरी होती हैं तो उसके बाद इनका क्या बनाया जाता है? एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉल्यूशन बनाने के बाद इस सॉल्यूशन को पीसीआर मशीन में डालते हैं। जैसे ही पीसीआर मशीन में डालते हैं तो पीसीआर की मशीन है तीन स्टेप में डिवाइड होती है। कहने का मतलब पीसीआर में तीन प्रक्रिया चलती हैं। सबसे पहले चलती है डी नेचुरेशन स्टेप यानी विकृतिकरण में, सेकंड चलती है एनलिंग स्टेप, और थर्ड चलती है डीएनए संश्लेषण। कहने का मतलब अपन जैसे ही पीसीआर का मेथड स्टार्ट होता है तो उसमें तीन प्रकार के प्रोसेस लागू होती हैं। तीन प्रक्रिया में पीसीआर का जो मेथड होता है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डी नेचुरेशन की, यानी फर्स्ट स्टेप है डी नेचुरेशन, इसको बोलते हैं विकृतिकरण। विकृतिकरण में क्या होता है? सबसे पहले जो अपन ने डीएनए लिया था वो क्या होता है? टूटता है। क्या करता है? टूटता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद सेकेंड स्टेप आती है एलेलिंग। एलेलिंग का अर्थ क्या होता है? अगर उनको लो टेम्परेचर देते हैं और उसके साथ अपन पीसीआर डालते हैं तो उनके द्वारा क्या होता है? कंप्लीट स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। यानी जो जो आवश्यकता थी उनका अपन ने सॉल्यूशन बना लिया, और सॉल्यूशन बनाने के पश्चात अब इस सॉल्यूशन को कहाँ पर डालते हैं? पीसीआर में डालते हैं। तो पीसीआर में जैसे अपन डालते हैं तो पीसीआर का जो मेथड होता है, पीसीआर की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी स्टेप में होती है? तीन स्टेप में कंप्लीट होती है। कितनी स्टेप में? तीन स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, यानी इसको बोलते हैं विकृतिकरण। देखो विकृतिकरण का अर्थ क्या होता है? अगर इसके अपन ट्रम पे ध्यान देते हैं तो विकृतिकरण का अर्थ क्या होता है? अपन डीएनए काम में ले रहे हैं, कहने का मतलब जो डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड हैं वो क्या हो जाते हैं? विकृतिकरण, यानी दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप आती है एलेलिंग। एलेलिंग में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे? जो अलग हुए डीएनए के स्ट्रैंड हैं, पहली स्टेप में डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग हो गए हाई टेम्परेचर। देखो डीनेचुरेशन में क्या होता है? कोई भी चीज़ होती है या कोई भी डीएनए होता है या जीन होती हैं, अगर उसको अपन हाई टेम्परेचर देते हैं तो उसके अंदर जो जीन है, इसके अंदर जो डीएनए के अंदर स्ट्रैंड है वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होती है? एलेलिंग। अलग अलग हुए स्ट्रैंड या अलग अलग हुई जीन के ऊपर अपन क्या ऐड करवाएंगे? प्राइमर ऐड करवाएंगे। किसकी सहायता से ऐड करवाएंगे? डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से प्राइमर क्या करवाएंगे? ऐड करवाएंगे। सेकेंड प्रोसेस में ये मेथड हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? वो प्राइमर, यानी सेकेंड स्टेप में अपने प्राइमर ऐड करवाया था, उस प्राइमर के द्वारा थर्ड स्टेप में क्या होता है? एक नए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस। अब सेकेंड स्टेप में क्या है? प्राइमर का ऐड किया अपन ने,
और थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिंथेसिस। यानी थर्ड स्टेप में ये देखने को मिलता है अपन को। तो ये इस प्रकार तीन प्रोसेस से पीसीआर का जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले अपन जो अपन ने आवश्यकता थी उन सभी आवश्यकताओं को एक साथ मिक्सचर करके, एक साथ उनको मिला करके पीसीआर मशीन में डालते हैं। उस पीसीआर मशीन में क्या क्या है, डीएनए है, अपन कह सकते हैं डीएनए का फ्रेगमेंट है, और डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसको अपन कह सकते हैं जीन आवर्धन। क्या कह सकते हैं, जीन आवर्धन। उसके पश्चात उस सॉल्यूशन में है प्राइमर हैं, कितने प्राइमर हैं, दो प्राइमर हैं। उसके बाद अपन बात कर सकते हैं उस सॉल्यूशन में नाइट्रोजन क्षार भी हैं, बफर सॉल्यूशन भी है, और साथ में डीएनए पॉलीमरेज भी है। अब पूरा मिश्रण अपन पीसीआर मशीन में डालते हैं, इन चारों चीज़ों का एक मिश्रण बना करके पीसीआर मशीन में डालते हैं। तो पीसीआर का जो मशीन है वो तीन स्टेप में चलता है। पीसीआर का मशीन है वो कितनी स्टेप में चलता है, तीन स्टेप में चलता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन, यानी अपन ने उस मशीन में जो डीएनए डाला था वो डीएनए सबसे पहले क्या होगा, टूटेगा, यानी टूटेगा या विकृतिकरण होगा। जैसे ही टूटेगा या विकृतिकरण होगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, दूर दूर तक अलग अलग हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप में अपन बात करते हैं एलेलिंग की, दूर दूर हुए दोनों स्ट्रैंडों के ऊपर क्या जोड़ेंगे, अपन प्राइमर जोड़ते हैं। प्राइमर जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डीएनए का सिंथेसिस। कहने का मतलब इस प्रोसेस में जो प्राइमर होता है वो क्या कर लेता है, एक डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस यानी निर्माण कर लेता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप में दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए, सेकेंड स्टेप में दोनों अलग अलग स्ट्रैंडों पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से प्राइमर ऐड करवाते हैं। थर्ड प्रोसेस में क्या है, जो प्राइमर है वो क्या करते हैं, नए स्ट्रैंड का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ही नए स्ट्रैंड का निर्माण कर लेते हैं तो कहने का मतलब अपन लास्ट में कह सकते हैं एक पीसीआर है इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार जो लास्ट में अपन ने डीएनए के अणु प्राप्त हुए थे उनको दोबारा से पीसीआर में काम में लेना है, उसी प्रकार सॉल्यूशन को दोबारा से डालना है। इसी प्रकार अपन तीन चार ऐसे साइकिल चलाते रहेंगे, एक डीएनए की दो डीएनए प्राप्त हुए, दो से चार, चार से आठ। तो इस प्रकार अपन एक डीएनए से कुछ ही समय में, बहुत कम समय में, बहुत अधिक मात्रा में कॉपी बना सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पीसीआर मेथड। कुछ समय में यानी एक डीएनए से दो अणु, दो से चार, चार से आठ, ऐसे अपन तीन चार साइकिल की प्रोसेस में पीसीआर मेथड को कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में अपन को रीजन प्राप्त होता है कि पीसीआर में क्या होता है, जो एक डीएनए का टुकड़ा होता है, ये डीएनए का खंड होता है, बहुत कम समय में या कुछ समय में बहुत अधिक मात्रा में उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यही मेथड क्या कहलाता है, पीसीआर कहलाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो पीसीआर की जो ये स्टेप होती हैं उन स्टेप के अंदर जो डीएनए होता है कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है, उसके ऊपर प्राइमर कैसे जुड़ता है, और प्राइमर के द्वारा कैसे नए स्ट्रैंड का निर्माण होता है। ठीक है।